नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको ताकतवर कैसे बने और ताकतवर बनने के उपाय। आज जो प्रयोग बताऊंगा वह प्रयोग अचूक एवं प्रैक्टिकल किया हुआ प्रयोग है। तो आप इस प्रयोग को जरूर करें और दूसरों को शेयर जरूर करें। तो आपको बता दूँ कि यह प्रयोग आप प्राचीन इंद्रजाल से देख सकते हैं, जो राजस्थान से प्रिंटेड हो, और आप वहाँ से पुस्तक भी मंगा सकते हो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि यह प्रयोग पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। इसे सिद्ध करने के लिए कोई मंत्र जाप करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी को शेयर करें। इस प्रयोग के द्वारा आप सभी जीव जंतुओं का ताकत पा सकते हो। आप चाहे हाथी का ताकत पा सकते हो, या बैल का ताकत पा सकते हो, या भैंस की ताकत पा सकते हो। इस प्रयोग के द्वारा आप सभी जीव जंतुओं की ताकत पा सकते हो। तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको अकुल वृक्ष का जो फल होता है, अकुल वृक्ष में वो फल पकने के बाद आपको बैल के मुख में रखना है। उसके बाद उस फल को आप जमीन में गाड़ दें, और जब फल उग जाए और फल लग जाए तो वह फल को आप मुख में अपने रख लें या खा लें, तो आप में उस बैल के समान ताकत आ जाएगा। एक बार और बता दूं, आपको अकुल वृक्ष के जो फल होता है, पका हुआ फल, उसको किसी भी जानवर के मुख में रखना है, और उसे आप कहीं भी लगा दें या अपने घर में ही लगा दें, और जब वो फल लग जाए तो उस फल को अपने मुख में रख ले या खा ले, तो आप जिस जानवर के मुख में रखे हो उस जानवर का ताकत आपके ऊपर आ जाएंगे, और आप उस जानवर की तरह शक्तिशाली हो जाएंगे। बस इतना ही प्रयोग करना है आपको, और आप शक्तिशाली बन सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस प्रयोग को दूसरों को शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।